सबको नमस्कार हूं, सबको अध्यक्ष वहित सोदरी मणि गीता रेड्डी गारु, जिला अध्यक्ष नर्सा रेड्डी गारु, अदे विधा पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी गारु, अदे विधा गतंलो एन्नो पदवुलु अनुभविंची ఒక్కసారి కూడా ఓటమి లేకుండా 11 సార్లు గెలిచినటువంటి పెద్ద నాయకుడు ఎవరంటే అది మల్లికార్జున్ ఖర్గే. ఆయన కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి కావాల్సిన వాడు గాని కొద్దిలో తప్పిపోయింది. అదే విధంగా మరి మానిక్ ఠాకూర్ గారు, బోసు రాజు గారు, అదే విధంగా వేదికపై ఉన్నటువంటి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు, ఆఫీస్ బేరర్లు, సోదరులారా, సోదరిమణులారా, ఇగో ఇందులో చార్ షీట్లో ఉన్నది కానీ నాకు ఒకటే బాధ ఉన్నది. ये बाबा साहेब अंबेडकर वाले तेलंगाना वच्चिंदी आर्टिकल 3 वल्ला मा सोनिया गांधी तेलंगाना इच्चिंदी दानी गुरिंचे आमे एंतो मंदी पिल्ला चनिपोतुन्नारु मा गवर्नमेंट वस्ते तेलंगाना इस्तानदी केसीआर नुवेमन्नो मामा मेडम जिस दिन तेलंगाना देंगा तुम्हारे पैर पे तोले तो अन्नो अगर तेलंगाना नहीं दिए तो केसीआर तुम्हारा फैमिली नामपल्ली दरगाह पे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. ये चलता था बुलगाया विमोचन दिन इंको पक दलित गिरीजन आत्मगौरव सब इला दलित प्रेम नीचे अभी ऊरके ओटिंद इतना मंदिरा बाबू अटे हुजूराबाद बीसी लेरा पद लक्षा इन वेल मंदिर बाबू नीस्ते पक्की ऊकटारा అమ్మా అంటే 10 లక్షలు నాకు ఇస్తలేరని నీ పని పక్క అవుతది. అంతే కాదు, ఇవాళ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని అదే విధంగా మాణిక్ ఠాకూర్ని అడుగుతున్నా ఏ విధంగానైతే ఆత్మగౌరవం జరుగుతుందో దళిత గిరిజనులది, అదే విధంగా బీసీల ఏది యుద్ధం చేసే పరిస్థితి వచ్చింది, బీసీల కార్యక్రమం కూడా చేయాలి, బీసీల గర్జన పెట్టాలి. గతంలో వడుగు బలైన వర్గాల కార్యక్రమం వరంగల్లో పెట్టిన తర్వాతనే కాంగ్రెస్ లో మార్పు వచ్చింది. బీసీ ఎస్సీ లతో పాటు బీసీ లో కూడా ఈ నాడు మేము 54% ఉన్నాం. మాకు బొమ్మలను మర్చిపోతే ఊకుంటాం. గొల్లోలు ఊకుంటారా, యాదవులు ఊకుంటారా, కుర్మలు ఊకుంటారా, సాగరాలు ఊకుంటారా? మాలో కూడా పని చేసే వాళ్ళు కుల వృత్తులు అయిపోయినాయి, పని లేదు, ఎవరిని అడగాలనో తెలుస్తలేదు. దాని మీద కూడా బీసీ గర్జన పెట్టాలని నేను ఆలోచన చేస్తున్నా. అంతేకాకుండా ఒకే ఒక మాట, తెలంగాణ విమోచన ఇవాల ఎవరు అమిత్ షా పక్కకే మీటింగ్ పెడుతున్నారు. అమిత్ షా తుజే మాలుమైకా తెలంగాణమే బీజేపీ కిత్తాలడా, అభి హమారే మల్లికార్జున్ సాహబ్ సహీ బాత్ బతాయే, ఉస్ జమానే మే ఆప్కా రోల్ హీ నహీ థా, ఇస్ హిందుస్తాన్ మే 550 వో థే జాగీర్దారా థే, రాజా మహారాజా థే, ఏక్ ఏక్ హైదరాబాద్ ఔర్ జమ్మూ కశ్మీర్ దోనో ఇండిపెండెంట్ రాజా లోక్ థే. ఉస్ వఖత్ पूरी दुनिया जमलापुरम केशवराव सरदार, जमलापुरम केशवराव रामानंद तीर्थ ये लोग थे, लड़े थे उस वक्त महाराष्ट्र कर्नाटक भी हमारे हैदराबाद स्टेट में थे जिसका मल्लिकार्जुन लीडर ही करते थे. आज भी उनके उनका दम है बोलने का. आज मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या लड़े बोल के आज सरकार से तुम बोल नहीं सकते. विमोचना में तुम्हारा पार्ट क्या है बता रहे भाई, एक बताओ. हमारी इंदिरा गांधी देश के वास्ते अपनी जान की कुर्बानी करी, राजीव गांधी देश सद्भावना रखने के वास्ते अपनी जान की कुर्बानी करे. मैं चाहता हूँ इस मीटिंग में मैं हमारे रेवंत रेड्डी से रेजोल्यूशन लेना चाह रहा हूँ. इसमें वो है ही नहीं, अंबेडकर का बात ही नहीं है, थोड़े से बात मैं नहीं लगाए भैया, जय भीम वाले लगाए, 13 के सुबह में तोड़ दिए. जिस दिन 14 तारीख को अम्बेडकर का बर्थडे, बाद में मैं आंधा जाके लाए तो वो भी उठा के पुलिस स्टेशन में रखे, पुलिस वाले भी चोरी कर रहे, ये कब से सीखे रहे भाई, किडनैप करते पुलिस वाले उठा के ले गए. तो इस वजह से मेरी गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ हनुमंतराव का काम नहीं है भाई, अंबेडकर अंबेडकर इस देश में एक दिशा बताया. एक जमाने में गांव में लोगों को आने नहीं देते थे, बॉडी करने मंदिर में नहीं आने देते थे, बड़े बड़े पटेला द्वारा चप्पल सर पे लगा के चलते थे. यही अंबेडकर इस देश में कानून लाके, कॉन्स्टिट्यूशन लाके, उस जमाने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम
आजाद बोला एक ही आदमी लिख सकता जिसका नाम अंबेडकर है। वो अंबेडकर गरीबी से आया, ज्योतिराव फुले उनका गुरु थे, पढ़ लिए तो आगे बढ़ते बोले। तो इसी वजह से मेरी गुजारिश है बीसी गर्जन भी लगाना चाहिए ताकि बीसी लोग भी ये समझना बीसी में माइनॉरिटी भी आता भैया। आप समझोगे माइनॉरिटी का लग नहीं, बीसी की बीसी में माइनॉरिटी भी आते। तो इस वजह से वो सभा भी करेंगे तो केसीआर को सबक सिखाना चाहिए। केसीआर बहुत से वादे करता भाई, ये आदमी से समय आए तो पैर पकड़ता नहीं तो सर पकड़ता, लड़ने वाला नहीं है उन्हें। वो कहकर फायदा उठाता मगर एक अच्छा काम करा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हर पुलिस स्टेशन 5-स्टार होटल है, 5-स्टार। ये काम अच्छा करा क्यों बोल तो आने वाले दिनों में पुलिस वाले ही सपोर्ट करते बोल के पुलिस स्टेशन एक एक इनोवा फॉर्चून हुई 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 चल रहा। तो इसी वजह से पुलिस से डरना नहीं है। आज हिंदुस्तान में बराबर कांग्रेस का लहर आ रहा है। आज क्या करा भाई अमित शाह तुम्हारे पास, नरेंद्र मोदी क्या करा, हम गरीबों के वास्ते पब्लिक सेक्टर लाए, सब बेचते जा रहा भैया। विशाखा स्टील बेच दे रहा, कल BHEL बेच देगा, LIC बेच देगा, इंडियन एयरलाइन देगा। इसके ऊपर भी गांव गांव में जाके प्रचार करना चाहिए। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अम्बेडकर हर गांव में उनका स्टैचू रहता, वहां जाना, हार डालना। अम्बेडकर को जेल में रखा बहुत से लोगों ने, 3 साल हुआ, शर्म की बात है। और देखते रहे तो दलित बंधु बोलता, एक दलित लीडर को देके पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखता, तू दलित बंधु है, तू वोटों का बंधु है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए क्यों बोले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी चले गए, अरे उन्होंने सुनना बोल के जितनी देर बोला ठीक है जो भी है वो था। बीसी गर्जना भी लगाना चाहिए, यही बात हमारे रेवंत रेड्डी बोले और हमारे मानिक ठाकुर बोले, इसमें रेजोल्यूशन लेना है। आने वाले दिनों में बीसी गर्जना भी इससे ज्यादा, इसमें सभी नहीं है, इसमें हमारे बीसी लोग भी है, खाली SC भी ST है रे भाई, हमारे लोग भी आए आपके साथ रहते हैं। इस वजह से आपको भी साथ रखो, TRS को हटाओ, कांग्रेस को बचाओ। नमस्कार।